हेलो एवरीवन, मैं रबानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटल रोहतांग टनल। इस टनल को कब शुरू किया गया, इसका काम कब शुरू किया गया था, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी कंपनीज ने इस टनल के काम को किया है, हर वो चीज़ जो चाहे प्रीलिम्स या फिर मेंस में पूछी जाएगी वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये जो टनल है अटल रोहतांग टनल, इसे शुरू कब किया गया था, इसे जो शुरू किया गया था वो किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने जनता को ये समर्पित कब किया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये डेट आपको याद रखनी है 3 अक्टूबर 2020 को। अगर मैं बात करूं इसकी स्थिति की, तो ये जो कहां पे स्थित है आपको याद रखना है। एचएस में 3 से 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं या 5 ऑप्शंस, या तो आपको उनको क्रॉस मैच करना होता है या 4 स्टेटमेंट सही होंगी और एक गलत होगी, तो आपको ये याद रखना है कि ये पीर पंजाल और रोहतांग दर्रे के बीच में स्थित है। पीर पंजाल और रोहतांग के बीच में ये जो टनल है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी बन सकती है वहां पे जो दी जाएगी। और सेकंड अगर मैं बात करूं, ये जो टनल है ना रोहतांग दर्रे पे स्थित है, रोहतांग दर्रे पे ये टनल बना है। पहले इस टनल का नाम रोहतांग टनल था, ये भी याद रखना है। लेटर ऑन में आगे आपको वीडियो में और चीजें बताऊंगा। और एक और चीज जो आपको याद रखनी, ये जो टनल है ना, ये टनल जो है पीर पंजाल के नीचे है, ये जो अटल रोहतांग टनल है ये पीर पंजाल के नीचे, ये सेकंड स्टेटमेंट भी बन सकती है चाहे आपको मेंस में भी लिखना हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि ये जो पीर पंजाल है इसकी हाइट कितनी है और रोहतांग की दर्रे की हाइट कितनी है। मैं अभी इस टनल के अलावा बात कर रहा हूं, तो आपको याद रखना है पीर पंजाल की जो हाइट है वो है 5972 मीटर, 5972 मीटर जो है इसकी हाइट है समंदर तल से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रोहतांग टनल की, तो इसकी जो है 3798 मीटर ये इसकी हाइट है समंदर तल से। और रिमेम्बर एक और चीज, ये जो पीर पंजाल है ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है ये चंबा की, डिस्ट्रिक्ट चंबा की ये हाईएस्ट पीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीजें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इस टनल की लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ऑप्शंस आपको याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना, 9.2 भी होगा लेकिन ये 9.02 किलोमीटर है, तो ये इसकी लंबाई है। और इतनी ही लंबाई सेम एक चेनानी टनल की भी है, जिसका नाम अब बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किया गया है, जो कि जम्मू में है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको याद रखना कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे टनल कौन सा है या कहाँ पे है, वो हिमाचल में है। कहाँ पे है अटल रोहतांग टनल है वो, उसका नाम है। अगर मैं बात करूं कि लॉन्गेस्ट टनल, ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट टनल जो है वो लिटरल है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है नॉर्वे में, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लिटरल टनल जो कि दुनिया का सबसे लंबा टनल है वो कहाँ पे है, वो नॉर्वे में। अब आते हैं अटल रोहतांग टनल पे, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित टनल है। तो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो टनल है ना इसकी हाइट कितनी है सी लेवल से, इसकी हाइट कितनी है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसकी जो हाइट है वो 10,000+ है, 10,000+। अगर मैं इसकी बात करूं कि मीटर्स में, ये कितने मीटर पे, तो ये 3,048 मीटर पे है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रोहतांग दर्रे की अभी आपको जो बताई वो 3798 बताई इसकी ऊंचाई, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 3,048 मीटर है। तो फ्रेंड्स, ये है कि ये रोहतांग दर्रे के टॉप पे नहीं है, रोहतांग दर्रे के बीच में है और पीर पंजाल के नीचे है। तो जहां पे ये है वहां पे जो है, जो वहां की ऊंचाई है सी लेवल से, वो है 3,048 मीटर, तो ये 10,000+ की ऊंचाई पे स्थित है। तो ये आपको चीजें जो है ये याद रखनी है। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं, तो ये जो टनल है ये कनेक्ट करता है मनाली से, मनाली को करता है ये टनल केलोंग के साथ। यहां से जो इसकी जो दूरी है, ये थर्ड स्टेटमेंट जो मैं आपको पहले से बता रहा था, तो 46 किलोमीटर जो है यहां से डिस्टेंस कम हो गया है। जिस एरिया डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस था इसे कवर करने में पहले जो टाइम लगता था वो लगता था अमूमन 5 घंटे और 10 मिनट, तो इस टनल बनने की वजह से ये जो डिस्टेंस है वो 46 किलोमीटर कम हो गया। और कितना टाइम बच रहा है लोगों का, वो बच रहा है 5 घंटे और 10 मिनट। तो ये आपको याद रखना, जो कि अब इतना ये जो डिस्टेंस है वो 10 से 15 मिनट में अब कवर किया जा सकता है।
सो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं, ये जो कनेक्ट करता है ये मनाली को जो है लाहौल वैली के साथ कनेक्ट करता है ये टनल। और इससे आपको एक और चीज पूछ ली जाती है कि लास्ट विलेजेस या वहां का फर्स्ट विलेज कौन सा है। तो मनाली से आपको याद रखना है नॉर्थ पोर्टल, और यहां से अगर मैं बात करूं लाहौल से अगर मैं बात करूं सिस्सू से तेलिंग गांव है जो कि फर्स्ट विलेज आता है इस टनल के बाद। जैसे आप इस टनल से लाहौल वैली में जाओगे तो वहां से पहला कौन सा विलेज आता है, तेलिंग आता है। और यहाँ की ऊंचाई कितनी है, तो ये जो ऊंचाई है इसकी 3048 मीटर, 3048 मीटर जो है इसकी जो है समंदर तल से इसकी ऊंचाई, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा ये कौन से रूट पे बनी है, तो इसके अगर मैं रूट की बात करूं तो ये कौन से रूट पे बना है ये टनल, ये भी पूछ लिया जा सकता है। ये जो रूट पे बना है वो है मनाली ले एनएच पे ये बना है, मनाली ले पे ये जो टनल बनना है। इससे ज्यादा फायदा जो है वो जो लद्दाख ले में जो आर्मी है उसको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, जल्दी पहुंच सकते हो यहाँ पे, तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद जो है लेह में या लद्दाख में जो आर्मी है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये भी आपको याद रखना है इस टनल से। और तो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं इसके शेप की, ये जो टनल है इसकी शेप या फिर आकार कह लीजिए, इसका जो आकार है वो कैसा है, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है मगर ये हायर एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको जो ये साइज याद रखना है हॉर्स शेप यू टाइप का है, जो हॉर्स शेप यू टाइप है। अगर आप यहाँ मनाली में हो, यहाँ से अगर एंटर करना तो ये टनल इस हिसाब से है, तो यहाँ पे जाके आप लाहौल स्पीति में एंटर करोगे। ये हॉर्स शू याद रखना आपको, हॉर्स शू यू टाइप का, जैसे हॉर्स का शू होता है उसी टाइप यू टाइप का ये टनल है। ये अगर मनाली है तो ये लद्दाख, आपको गोल घूम करके यहाँ जाना है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसका एक्सपेंडिचर, इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 3200 करोड़ रुपए है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 3200 करोड़ रुपए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अटल रोहतांग टनल की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के, कि इसे कब बनाने का निर्णय लिया गया था। तो अगर मैं बात करूं 2000 की, सन 2020 में उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि यहाँ पे जो है एक टनल बनेगा, तो ये डिसीजन उनका था। इसके बाद ये जो है 2007 कि अगर मैं बात करूं तो ये जो था कि बनेगा तो बनेगा, इसका काम 2007 में स्टार्ट कर दिया गया था, कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देना स्टार्ट कर दिया गया था। तो 2007 में जो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी SNOW, दैट इज सॉरी स्मैक, ये है स्नो माउंटेन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। तो 2007 में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी SMEC, स्नो माउंटेन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब उनको दिया गया था। लेकिन बाद में 2009 में ये जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे लेकर के ऑस्ट्रिया की एक कंपनी थी जिसका नाम था स्ट्राबैग एजी एंड एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये काम फिर इनको दे दिया गया था। तो इन्होंने जो है इस काम को पूरा किया गया था। और लेटर ऑन फिर अगर मैं बात करूं तो इसका जो काम था वो स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये कब शुरू हुआ था, 28 जून 2010 को ऑफिशियली जो काम था अटल रोहतांग टनल का वो शुरू कर दिया गया था। तो ये दो कंपनियां भी आपको याद रखनी है, 2007 में कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया की SMEC कंपनी को दिया गया, लेकिन लेटर ऑन 2009 में इसे ऑस्ट्रिया की कंपनी ने लीलिया स्ट्राबैग एजी और एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको मेंस में लिखना पड़ेगा, ये आपको पता है या फिर पूछ भी लिया जा सकता है ऑप्शनल वाइज। तो फिर इसका काम जो शुरू किया गया था वो 28 जून 2010 को किया था, और ये जो किया था BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है, BRO ने इस रोड को बनाया है और किसी रोड ने नहीं बनाया, हिमाचल की या किसी और स्टेट की, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अटल रोहतांग टनल को बनाया है। ये जितनी भी बॉर्डर की रोड्स होती है वो BRO ही बनाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसको बनाने में कितना जो है मटेरियल यूज हुआ है, तो आपको ये एक और चीज आपको याद रखनी है, ये जो सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने जो है 9000 मीट्रिक टन, याद रखना 9000 मीट्रिक टन जो स्टील है वो प्रोवाइड किया था इस टनल को बनाने के लिए। इसके अलावा एक और चीज,
6500 मीट्रिक टन जो है इसको बनाने के लिए TMTB यूज हुआ है, दैट इज थर्मो मशीनरी ट्रीटो, ये जो है इसको बनाने के लिए यूज हुआ है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कि क्या क्या विशेषताएं हैं अटल रोहतांग टनल की। सो फ्रेंड्स अब अगर हम इस टनल की विशेषताओं के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस टनल में स्पीड कितनी रखी गया, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको इस टनल में चलना पड़ेगा, ये स्पीड जो है वहां पे तय करके रखी गई है। इसके अलावा पर डे हर दिन कितने कार और ट्रक जो है वहां से पास होंगे, तो कार जो है वो 3000 कार जो है पर डे इस टनल से क्रॉस होंगी और 1500 ट्रक, ये आपको याद रखना है, हर दिन पास होंगे जाएंगे गुजरेंगे इस टनल से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीसीटीवी की फैसिलिटीज भी यहाँ पे देके रखी गई है, तो हर 250 मीटर के बाद आफ्टर एवरी 250 मीटर सीसीटीवी आपको देखने को मिलेंगे हर 250 मीटर के बाद। इसके अलावा अगर मैं इमरजेंसी एग्जिट की बात करूं तो ये भी आपको हर 250 मीटर के बाद आफ्टर एवरी 250 मीटर से आपको इमरजेंसी एग्जिट भी वहां पे मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वहां पे टेलीफोन की सुविधा भी जो है दे के रखी गया हर 150 मीटर के बाद, ये भी आपको याद रखना, मैं हर जगह लिख रहा हूं हर कंफ्यूज नहीं होना, हर 250 मीटर के बाद यहां पे हर 150 मीटर के बाद जो आपको टेलीफोन की करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अगर इसके अलावा मैं बात करूं वहां पे फायर इनकेस कभी ऐसा होता है, ये भी हर 75 मीटर के बाद आपको वहां पे सुविधा उपलब्ध मिलेगी। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता है कि वहां पे जो है इस टनल में प्रकाश की रेज भी पड़ती है, सन रेज भी पड़ती है, उसके लिए भी रखा गया है, तो वो जो पड़ती है आफ्टर हर 25 मीटर के बाद, हर 25 मीटर के बाद सन की रेज जो है इस टनल में पड़ेंगी। और इसके अलावा लास्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है वाहन मोड़ने की जो है सुविधा भी वहां पे दी गई है, हर 2 किलोमीटर के बाद आप जो है वहां से अपनी गाड़ी यू टर्न में मोड़ सकते हो। तो ये सब विशेषताएं हैं अटल रोहतांग टनल के बारे में। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो लगा हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।